हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारा चैनल में। आप देख रहे हैं आईना युवा संगठन चैनल, और आपको पता है कि हम राजस्थान के हर तथ्य से जुड़े वीडियो लाने की पूरी कोशिश करते हैं। और आज हम राजस्थान के एक सबसे ऊंची मूर्ति के बारे में वीडियो लाए हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना जो आपको अच्छा लगता है। तो आइए शुरू करते हैं। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा जो कि है वो है स्टेच्यू ऑफ यूनिट भारत में। अब उसी प्रतिमा के मामले में कुछ दिनों के बाद देश के नाम और एक रिकॉर्ड बनता जा रहा है। दरअसल विश्व की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मूर्ति राजस्थान के नाथद्वारा में तैयार हो गई है। मिराज ग्रुप के ये जो मना रहे थे, और आपको बता दें कि इनका काम 2012 से चल रहा था और अब जाके उनका काम लगभग पूरा हो चुका है, बस अंतिम रूप दिया जा रहा है। एक अधिकारी ने बताया था कि उदयपुर से ये 50 किलोमीटर की दूरी पर गणेश टेकरी में 351 फीट की ऊंची प्रतिमा, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा मानी जा रही है। और 2000 साल से उसमें रोज के 750 लोग रोज काम करते थे रात दिन। स्टेच्यू ऑफ यूनिट और इनके विज्ञापन पर मोदी सरकार ने 2.64 करोड़ रुपए खर्च किए थे, और देखने वाली बात है कि इस पर कैसे कितने रुपए खर्च किए जाते हैं। और आगे हम आपको बताएंगे कि इस मूर्ति की क्या क्या विशेषता है, आप कितने ऊपर तक जा सकते हैं और इसकी क्या खासियत है। पूरे मेवाड़ के लिए काफ़ी गर्व की बात होगी, कई लोग इस बात से रूबरू होंगे। लेकिन जिन लोगों को इस बारे में नहीं पता है उन्हें हम बता दिए जाते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी शिव की मूर्ति मेवाड़ में बनने जा रही थी। उदयपुर से 50 किलोमीटर की दूरी पर नाथद्वारा नगर में ये मूर्ति बन गई है। नाथद्वारा पहले से श्री नाथ जी के मंदिर के लिए पूरे भारत में काफ़ी मशहूर है, और अब इस मूर्ति के कारण पूरे विश्व में मशहूर हो जाएगा। उदयपुर से नाथद्वारा जाने के लिए करीब 1 घंटा लगता है, और नाथद्वारा में ये मूर्ति श्रीनाथ के मंदिर पर 120 रोड पर बन गई है। मूर्ति की नींव पत्थर पूज्य मुरारी बापू द्वारा किया गया था, और उसका काम 2012 से चल रहा है। अभी हम आपको बताएंगे कि इस ग्रुप का जो इस मिराज ग्रुप इसको बना रहा है, पूरी सेटिंग करके बना रहा है ताकि भूकंप में भी इसकी जांच की जाए। आपको बता दें कि विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति की कुल लंबाई इसकी 351 फीट है, और मूर्ति में शिव जी के चेहरे की कुछ लंबाई 70 फीट होगी। भगवान शिव की मूर्ति में शिव के हाथों में एक त्रिशूल भी है जिसकी लंबाई 315 फीट है। इस मूर्ति में शिव जी की दूसरी मूर्तियों की तरह सामान्य रूप से आशीर्वाद देते हुए एवं त्रिशूल पकड़ते हुए नहीं, बल्कि आराम से बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और आप इसे 20 किलोमीटर दूर से भी अपनी बाइक या कार से भी देख सकेंगे। और ये पूरी लगभग पूरा बन चुका है। ये मार्च में बनने वाला था, लेकिन काम ज़्यादा होने के बाद में अप्रैल ये अगस्त में डेट दी गई, लेकिन अभी भी काम पूरा नहीं हो पाया है। इस विशालकाय मूर्ति का निर्माण मिराज कंपनी कर रही है। बैठे हुए महादेव जी की मूर्ति वो कोई भी कम से कम 20 किलोमीटर दूर से देख सकेगा। दूर दूर से आए दर्शकों को दर्शन की आसानी के लिए इस मूर्ति पर 74 फीट की ऊंचाई वाले 2 लिफ्ट लगाई गई है। ये लिफ्ट महादेव जी के कंठ तक पहुंचेगी। इस मूर्ति को तैयार करने का लक्ष्य 1 दिसंबर 2019 तक का है, जो तकरीबन 6 महीनों में मूर्ति पूरी हो जानी चाहिए थी। और 6,74,000 स्क्वायर फीट में ये बनी है, जिसमें प्रतिमा का कुल एरिया 27,000 स्क्वायर फीट है, और इसके आसपास 15,400 स्क्वायर फीट एरिया में हर्बल गार्डन बनाया गया है, जहां पर बच्चों के लिए झूले हैं और बड़ों को आराम करने के लिए गार्डन भी सुविधा की गई है। 3 किलोमीटर लंबी परिक्रमा मूर्ति के आसपास ही बना दी गई है, और उन लोगों के लिए जो जॉगिंग करना चाहते हैं यहां पे आके जॉगिंग भी करा सकते हैं, और पार्किंग और सुविधा यहाँ पर बना दी गई है। इसके अलावा इस विशाल मूर्ति के निर्माण में करीब 2200 टन स्टील और 1800 टन लोहा लगा है, और इससे RCC सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है। और विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है जो मेवाड़ में दर्ज हो गई है। कुछ बातें मूर्तिकार के बारे में जानते हैं। विश्व की सबसे बड़ी इस शिवजी की मूर्ति का निर्माण मूर्तिकार नरेश कर रहे हैं। नरेश की 3 पीढ़ियां इस मूर्ति बनाने में लगी हुई थी। मूर्तिकार नरेश के मूर्ति का जो नरेश है वो राजस्थान के पिलानी में रहते हैं, लेकिन अभी वो गुरुग्राम में रहते हैं। उनका कहना है कि शिव जी की मूर्ति बनाने में कुछ ऐसी तकनीक का इस्तेमाल हुआ है जैसा अमेरिका की सबसे मशहूर मूर्ति स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी में हुआ था। नरेश ने इससे पहले भी कई मूर्तियां बना दी गई है। आपको बता दें कि विश्व के सबसे ऊंची हनुमान जी की मूर्ति नरेश के हाथों से ही बनाई गई है, और सभी मेवाड़वासी एवं दुनिया में सभी शिव जी के भक्तों के लिए ये काफ़ी खुशी की बात है। और शिव जी कई बड़े अवतार में आपको दर्शन देने के लिए
तैयार हैं और कुछ ही दिनों में ये आपके लिए खोल दिया जाएगा। और क्या क्या होगी इसकी खासियत वो भी हम आपको बता दें। 3000 टन स्टील जो स्टील है उसमें इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा 30000 टन प्रतिमा का वजन है और 300 फीट इसकी त्रिशूल की लंबाई है। 16 फीट ऊंचा जूड़ा है। 60 फीट लंबा महादेव जी का चेहरा है। 275 फीट ऊंचे गर्दन है। 160 की ऊंचाई पर कंधा और 175 फीट की ऊंचाई पर महादेव जी का कमरबंद और 150 फीट पंजे से घुटने तक की ऊंचाई और 65 फीट लंबा पंजा है। और इसकी जांच सिडनी में की गई है। वहाँ पर जेट करने के बाद में 250 साल में आने वाले भूकंप की अधिकतम क्षमता हवा के वेग से सुरक्षा को ध्यान में रखकर करवाया जाए और सुरक्षा के लिए 4 लिफ्ट और 3 सीढ़ियाँ बनाई गई है। 600 मजदूर और 16 कर्मचारी मूर्ति बनाने के लिए रात दिन लगे हुए थे। जहाँ नर्सरी, कैफेटेरिया काउंट, ओपन थिएटर, म्यूजिक, लाइटिंग, फाउंटेन और इसके अलावा कई सुविधा आपको वहाँ पे मिलेगी। शिव प्रतिमा के साथ में 6 लिफ्ट और आपको बेहतरीन बनाएगी जो कि आपको शिव जी के कंठ तक ले जाएगी और पर्यटक 110 फीट ऊंचाई पर जाकर दर्शन कर सकेंगे। इसके ऊपर कर्मचारियों और VIP को जाने की अनुमति होगी। आदर से शिव प्रतिमा की टोटल पिटाई 151 फीट है जो आपको पहले ही हम बता चुके हैं और आपके लिए कुछ ही दिनों में ये मूर्ति बनके तैयार हो गई है और आपके लिए दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि मेवाड़ का नाम जरूर ऊपर होगा और पूरे विश्व में दर्ज होगा जो कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति मेवाड़ में है जो कि राजस्थान में है, जो हमारे लिए राजस्थान के लिए एक गर्व की बात है। तो आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में और हो सकते हैं आप जरूर एक बार इसका दर्शन कीजिएगा। वहाँ पर जाकर आपको मनोहर दृश्य देखने को मिलेगा। आपको लगेगा कि आप इंडिया में नहीं कहीं बाहर खड़े हैं, ऐसा दृश्य आप वहां पर जाके देख सकेंगे। तो बस आज का वीडियो यही था। आपका वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। वंदे मातरम, जय हिंद।